नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मध्य प्रदेश के रीवा में वार्ड नंबर 19 में जनता का जोरदार मिल रहा शिवसेना प्रत्याशी राजेश साहू को समर्थन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां शिवसेना पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री कृष्ण गुप्ता को बनाया गया है, तो वहीं शिवसेना पार्टी के वार्ड नंबर 19 जय स्तंभ के पास से लड़ रहे वार्ड प्रत्याशी राजेश साहू को बनाया गया है, जिनका जनता को भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, राजेश साहू ने मीडिया को बताते हुए कहा कि इस वार्ड में काफी गंदगी का आलम बना रहता है, कभी भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। हम घर घर जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं और हमको जनता भरपूर समर्थन दे रही है। वहीं वार्ड प्रत्याशी राजेश साहू ने बताया कि अगर हम इस वार्ड से विजयी होते हैं तो सबसे पहले पानी, बिजली, स्वच्छता पर ध्यान देंगे। वार्ड की जनता को मीठा पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी, 24 घंटे बिजली का प्रयास किया जाएगा और वार्ड के बच्चों को एक पाठशाला खोली जाएगी। आइए हम प्रत्याशी से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है, कौन सा वार्ड है और किस तरह आपका जनसंपर्क चल रहा है? जी, मैं राजेश साहू, वार्ड 19 से शिवसेना प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी। मैं पूरे वार्ड में भ्रमण कर रहा हूँ। जिस तरह जनता का सहयोग मेरे को मिल रहा है, बराबर मिल रहा है मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गंदगी का आलम जैसे है। रोडों में रोड नहीं है, सड़क नहीं है अच्छे से, और नालियाँ जो है भरी हुई हैं पूरी, है ना, और कचड़े का अंबार चारों तरफ लगा हुआ है। कोई पार्षद सुनने को तैयार नहीं था यहाँ का, और ना सुन रहा है अभी भी वर्तमान में जो है। मैं यही चाहता हूँ अपने वार्डवासियों से कि एक बार मेरे को आशीर्वाद दें, है ना, अपना सहयोग दें और फिर विकास देखें वार्ड में कैसा विकास होता है। क्या चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह है अपना तीर कमान, 3 नंबर की बटन है और शिवसेना पार्टी से हूँ। महापौर भी आपका है? जी, हमारे महापौर प्रत्याशी भी हैं श्री कृष्ण गुप्ता जी, उनकी चुनाव चिन्ह निशान है तीर कमान उनका भी, और बटन नंबर 6 है। क्या प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद, अब किस तरह काम करेंगे? जीतने के बाद मैं अपने वार्ड में पार्क का निर्माण कराऊंगा और जो लाइट की व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं जो चल रही हैं उसको व्यवस्थित करूंगा, और वार्ड में जो आवास योजनाओं का बहुत लोगों का लाभ नहीं मिल पाया है, यहाँ रिश्वत मांग के आवास योजना दी जाती है कि पहले 25,000 दो उसके बाद मैं आपको आवास योजना देता हूँ, तो मैं इसके लिए तत्पर रहूँगा कि कहीं किसी का 1 रुपये भी ना जाए। जो प्रधानमंत्री द्वारा पैसा प्राप्त होता है वो पूरा वार्डवासियों को मिले, और हर वार्ड 19 है।